सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 20 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 20 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं 20 रुपए पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बना लिया है। यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया था। पहले भी स्टॉक ने इस प्राइस को जब रिटेस्ट किया था तो वहां से स्टॉक के अंदर एक बल में तेजी बनती हुई नजर आई। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में एक रुकावट रेंज है वो 21 रुपए 55 पैसे पर है। जो रेड कलर की होरी सेंटर लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक रुकावट रही थी, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया था ऊपर में 23 रुपए 50 पैसे का हाई बनाता है। ऊपरी लेवल पर देखें तो स्टॉक के अंदर एक डाउनफॉल से देखने को मिलता है और लगातार एक बड़ी गिरावट आती हुई नजर आती है। तो अभी स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 20 रुपए का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के टारगेट 21 रुपए 50 पैसे शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 23 रुपए के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 21 रुपए 50 पैसे की प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।